हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास थेरेपी सेशन लेने के लिए, क्योंकि 15 दिन पहले मिल के आया था डॉक्टर से और तब थेरेपी भी लिया था और दवा भी लिया था। बट एवरी 15 डेज पे जाना पड़ता है थेरेपी सेशन के लिए। 10 दिन पे भी जा सकता हूँ, बट मैं संडे को जाता हूँ तो 2 संडे हो जाता है, तो 15 दिन हो ही जाता है क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिलता है। सो आज संडे है और जा रहा हूँ मैं थेरेपी सेशन के लिए। और उससे पहले मैं जाऊंगा मार्केट में, वहाँ पे अगर कोई CSC सेंटर होगा तो पहले मैं अपने आधार कार्ड का जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो चेंज करवाना है मुझे। तो देखते हैं कहीं खुला है नहीं खुला है, पता करेंगे। अगर होगा तो पहले वो करवाएंगे और उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। सो पहले जा रहे हैं CSC सेंटर, देखते हैं खुला है कि बंद है। आज संडे है तो बंद भी हो सकता है, बट ट्राई करते हैं। सो दोस्तों, एक यहाँ पर मुझे CSC सेंटर दिखा है, इसमें पता करता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं जहाँ पे गया था, जिस CSC सेंटर में जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे पता किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नहीं होता है, कहीं और होता है, वहाँ पे चले जाओ। उन्होंने बोला कि यहाँ पे नंबर चेंज नहीं होता है। तो मैंने पूछा उनसे कहाँ पे होता है, तो उन्होंने बताया कि एक जगह है जहाँ पे मैं अभी जाने वाला हूँ, मतलब जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ उसी रूट में है, तो स्टेशन के आसपास में। देखते हैं, पता करेंगे कहाँ है। ये है अपना मशीन, यहाँ से लेंगे टिकट। मशीन चालू होना चाहिए, बस चालू है। चलो टिकट लेते हैं पहले। अरे काम नहीं कर रहा है ये मशीन, लगता है काम नहीं कर रहा है। दूसरे में ट्राई करते हैं, ये काम कर रहा है क्या? हाँ ये काम कर रहा है। चलो ले लेते हैं टिकट पहले, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, उसके लिए फ़ोन बंद करना पड़ेगा। ये ले लिया मैंने टिकट, और ये 5 रुपये का टिकट है क्योंकि एक ही स्टेशन है, तो 5 रुपये का टिकट है। और अभी जाएंगे हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 या 4 पे। नहीं, 2 नंबर पे। यहीं से मिलेगी, और आज संडे है तो मेगा ब्लॉग रहता है। आई डोंट नो आज मिलेगी या नहीं मिलेगी जल्दी ट्रेन, संडे को जल्दी नहीं मिलती है। देख सकते हो पूरा, अभी तक कहीं पे भी ट्रेन नहीं दिख रहा है, काफ़ी टाइम के बाद आती है, मतलब आधा घंटा 20 मिनट ऐसे। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं स्टेशन के पास, पर CSC सेंटर वाले ने बोला था कि 4th फ्लोर पे, ऐसा कुछ बताया था। बट यहां पे 4th फ्लोर पे कैसे जाना है मुझे दिख नहीं रहा है, सीढ़ी उड़ी लिफ्ट वगैरह, तो मुझे किसी से पूछना पड़ेगा। तो देखते हैं, किसी से पूछते हैं कि यहां पे CSC सेंटर आधार वाला जो काम है किधर होता है, तो ही मालूम पड़ेगा। तो एक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड दिख रहा है, उससे पूछता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड है तो एक बार पूछते हैं। सिक्योरिटी वाले भाई साहब से पूछा तो उन्होंने बोला कि इधर ही होता है। तो अभी लंच का टाइम है और कभी कोई भी नहीं है, ये पूरा सब लोग आए हुए हैं आधार के लिए, बट अभी लंच का टाइम है तो कोई है नहीं। जैसे आएंगे वो लोग फिर लाइन लगेगा, टोकन वोकन ऐसा कुछ है, तो देखते हैं, वेट करते हैं, 1:30 बजे का टाइमिंग है। दोस्तों, अभी लंच का टाइम है और मैं आधार सेंटर में पहुँच गया हूँ, तो ये जितने लोग बैठे हैं वेट कर रहे हैं, 1:30 बजे वापस ये लोग आएंगे, उसके बाद काम चालू होगा। सो दोस्तों, मैं जस्ट अभी बाहर निकल रहा हूँ, मेरा काम हो गया, मोबाइल नंबर चेंज करवाना था वो चेंज हो गया है, क्योंकि मैं गया वहाँ पे तो लंच हो गया था और 6:30 लोग लंच करने गए थे, और जो जिनका काम था वो वेट कर रहे थे, सब बैठे हुए थे, तो मैं भी थोड़ा वेट किया। 1:30 बजे के बाद फिर लाइन लगना पड़ा काउंटर पर जहाँ से टोकन मिलता है, तो टोकन तो मुझे नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बोला कि इसमें आपका मोबाइल नंबर चेंज करना है तो आपको टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं गया वहाँ पर, काउंटर नंबर 9 था, वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट लगा,
और 5 मिनट के बाद मेरा काम हो गया। अभी जस्ट बाहर निकल रहा हूँ और अभी जा रहे हैं नीचे, बाहर निकलूँगा यहाँ से। 50 रुपया मुझे लगा देना पड़ा कैश, बट काम हो गया। और आज संडे है तो मुझे लगा बंद होगा, बट चालू था। सो चलो अभी बाहर निकलते हैं यहाँ से, पहले लिफ्ट के थ्रू जाएंगे। यहाँ से लिफ्ट से जाना है, मैं सीढ़ी से गया था, मैं सोचा एक फ्लोर नीचे जाना है तो लिफ्ट से क्या जाऊँ, सीढ़ी से जाऊँ। बट सीढ़ी से जब नीचे गया तो देखा कि उधर नीचे रास्ता ही नहीं बाहर निकलने का, जो डोर था वो बंद था बिल्कुल। तो वापस मैं ऊपर आया और फिर लिफ्ट से जा रहा हूँ। अभी मैं आ गया हूँ रास्ते में और यहाँ से मुझे ये रोड क्रॉस करना है डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो दोस्तों हमको लग गई प्यास और यहाँ पे हमको दिखा है मटका। काफ़ी दिनों के बाद मटके का पानी पीऊँगा, लास्ट टाइम भी आया था तो पिया था, तो मैं यहाँ पे मोस्टली पीता ही हूँ। बहुत ठंडा है, एकदम चिल्ड है, देख सकते हो कितना साफ सफाई इसके साथ मटका रखा हुआ है। और ये बिल्कुल पानी ठंडा है, पीने में मज़ा आ जाएगा। सो दोस्तों मटके का पानी पिया और मज़ा आ गया पी के, क्योंकि जब भी मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ, लास्ट टाइम भी आया था तो मैंने पानी पिया था मटके का, बहुत ही चिल्ड था, मतलब ठंडा था, काफ़ी मज़ा आया पी के। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ ऊपर, लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं फाइनली पहुँच गया और अभी जा रहा हूँ क्लिनिक के अंदर, तो अंदर वीडियो शूट नहीं कर सकता। चलो मैं पहले अपना जो थेरेपी है वो ले लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ले लिया है थेरेपी और थेरेपी लेके आ गया हूँ बाहर, और जस्ट थेरेपी लिया 20 मिनट, बाकी कुछ नहीं। सो नेक्स्ट 15 डेज के बाद मैं आऊँगा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के बाद और फिर मिलूँगा। सो गाइस मैं आ चुका हूँ, अभी एक मॉल है यहाँ पे रास्ते में पड़ता है और वहाँ पे बैठा हूँ, तो सोच रहा हूँ मॉल के अंदर जाऊँ, कुछ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कुछ पसंद आएगा तो लूँगा। तो दोस्तों मैं आ गया वापस और मैं जस्ट गया था मॉल में और मुझे एक टी शर्ट पसंद आया वाइट कलर का, तो मैंने लिया और लेके अभी जस्ट वापस आ गया हूँ। सो थेरेपी सेशन हो गया मेरा काफ़ी अच्छे से 20 मिनट, और डॉक्टर से नहीं मिला, अभी 15 दिन के बाद जाऊँगा तो डॉक्टर से मिलूँगा। आज का सबसे बेस्ट थिंग, जो मैं आधार सेंटर पर गया था वहाँ पर सिर्फ मेरा 5 मिनट के अंदर काम हो गया, मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। सरकारी गवर्नमेंट जगह पे पता ही आपको कैसा होता है काम, बट मेरा सिर्फ 5 से 10 मिनट के बीच में काम हो गया। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।